हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पीएनएम का तड़का में आप सभी का स्वागत है। कभी आपने ब्रेड से लॉलीपॉप बनाया है? आज मैं बनाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर के तैयार होता है। तो यहाँ पैन में पहले हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, साथ में 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देंगे और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा सॉटे करेंगे, जब तक कि इनका कलर ना चेंज हो जाए। अब इसमें हम 3 उबले हुए आलू को डाल देंगे, इस तरह से मैश करके। आप पहले से मैश करके रख सकते हैं और इसकी जगह पर आप कच्चे आलू को भी यूज कर सकते हैं, पर उबले हुए आलू से जब बनाते हैं तो बहुत झटपटी बन करके तैयार हो जाते हैं। इन्हें मिक्स कर लिए हैं, अब इसमें मसाले डालेंगे। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा सा सांभर मसाला डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसमें अपने मनपसंद कोई भी मसाले डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे धनिया का पत्ता और कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये हमारी स्टफिंग जो है लॉलीपॉप वाली बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ लिए हैं हम कुछ ब्रेड स्लाइस, तो ये नॉर्मल ब्रेड है, आप इसकी जगह पर व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है वही ब्रेड मेरे पास है, मैं इसी से बनाऊंगी। तो इसको मैं पानी से थोड़ा सा भिगो ली हूँ, इससे ब्रेड क्या है ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें जो आलू का मसाला हम बना करके रखे हैं स्टफिंग के लिए, उसको इस तरह से रख देंगे। और यहाँ लिए हमें आइसक्रीम वाली स्टिक, जिसको पहले से हम धुल के तैयार कर लिए थे, और इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसे हम अच्छे से सेट करके पैक कर देंगे, जिससे कि आलू मसाला बाहर ना दिखे और जो एक्स्ट्रा पानी है ब्रेड का वो इसे बाउल में जो है निकल करके आ जाए। तो अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल एकदम लॉलीपॉप के जैसे ये बन करके तैयार हो गया है। तो इसे लॉलीपॉप या आइसक्रीम आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी आपको दिखा रहे हैं बना करके। यहाँ ब्रेड को भिगो करके इसको निचोड़ लिए हैं, पर ज़्यादा प्रेस देकर निचोड़ना नहीं, वरना ब्रेड टूट जाएंगे। और इस तरह से फिर से हम आलू की स्टफिंग रखेंगे, उसके बाद ये आइसक्रीम स्टिक रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे जो है अच्छे से दबाते हुए सेट कर देंगे। आप चाहें तो ब्राउन पार्ट निकाल भी सकते हैं, पर मैं ब्राउन पार्ट नहीं निकाली हूँ, क्योंकि ये बाद में दिखता नहीं है और अच्छे से ये फ्राई हो जाता है तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब यहाँ ली हूँ मैं बेसन, तो यहाँ मैं 2 चम्मच के करीब जो है एक बाउल में बेसन निकाल लूँगी। आप बेसन की जगह पर आरा रोट ले सकते हैं या चावल का आटा, मैदा कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और जो है सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। अब इसमें हम पानी डाल करके इसका जो है एक बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर जो है ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, गाढ़ा भी नहीं, बस जैसे है सेम इसी तरीके से। तो ये देखिए हमारे सारे लॉलीपॉप जो है बन करके ब्रेड वाले तैयार हैं। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम पैन में जो है तेल डाल देंगे फ्राई होने के लिए, और तेल रख देंगे गर्म होगा, तब तक हम क्या करेंगे, लॉलीपॉप जो है हमारे उनको हम बेसन से अच्छे से कोट कर लेंगे, जिससे कि जो है ये तेल को ज़्यादा सोक नहीं करेंगे। और जब हम अच्छे से नहीं इनको कोट करते हैं ना, तो ब्रेड है ना वो तेल को ज़्यादा से सोक कर लेते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा ऑयली बनता है, और इस तरह से ऑयली नहीं बनता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। और इसे आप किसी बर्थडे पार्टी में, बच्चों की पार्टी है, किटी पार्टी है, मेहमान आने वाले हों, या बच्चों को टिफ़िन में भी देना हो, तो आप मज़े से बना करके दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों का तो फेवरेट है ये, खाने में तो मज़ेदार लगता है और एकदम लॉलीपॉप के जैसे बनता है, तो देखने में तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे इसे। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, एकदम नए तरीके का नाश्ता। और एक ही जैसे नाश्ते जब बनाते हैं तो बनाने वाले, खाने वाले सभी बोर हो जाते हैं, उसी को थोड़ा सा हम नया डिजाइन दे देते हैं, तो बच्चे भी बहुत मज़े से खाते हैं और ख़ुद भी मन लगता है बनाने में। तो इसे हम जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, क्योंकि इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेड तो पकी है ही है, आलू की जो स्टफिंग है वो भी है पर पहले से पकी हुई है, तो कुछ पकाना है नहीं। तो इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरह से जो है क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, और ये ज़्यादा तेल को भी नहीं सोख किए हैं। तो इस तरह से इनको हम निकाल करके रख देंगे। तो अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी में इसे शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लाती रहूं। तो ये देखिए मेरा दूसरा बैच भी जो है फ्राई होकर के तैयार हो रहा है, और बहुत झटपट ये बन जाने वाला नाश्ता है।
इसे आप तैयार करके जो है रात में रख लीजिए, तो आप सुबह भी गर्मा गर्म इसी जो है इस तरह से फ्राई करके दे सकते हैं। फ्रिज में इसे आप अच्छे से कोट करके रख लेंगे फ्रीजर में, तो आप 2-3 दिन तक बहुत अच्छे से रख सकते हैं। उसके बाद जब खाने का मन हो तो आप फ्राई कर सकते हैं, और आप इसके ऊपर जो है ब्रेड क्रम्स भी लगा करके फ्राई कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। मैं तो चल रही हूँ सर्व करने के लिए, और रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर बनाइएगा। और यकीन मानिए, मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ, बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। मैं तो इसे खा कर भी आपको दिखा रही हूँ, बहुत मज़ेदार लगता है और एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप वाली फीलिंग आती है। तो हम मिलेंगे आपसे नई रेसिपी के साथ।